तुम्हारे को असेंबली में रोक रहे थे कौन? रोक रहे थे वहाँ जो हमारी बच्चियाँ कॉलेजेस में हिजाब में गई तो वहाँ उतार रहे थे। वहाँ का मसला, यहाँ का ले जाको वहाँ लगा रही, वहाँ का ले जाको यहाँ लगा रही। पतंग को पत्थर बंधे तो पतंग उड़ती साहब, नहीं इन्हों क्या कर रही मालूम है? पतंग को पत्थर बनकर डोरी खींची, उन्हें पाक बोल गिर रही है। नासिर को सीट पे बिठा दो, न चंदू रहेगा न बंडू रहेगा। सीट जाएगी कैसा? हम सब मुत्तहिद होकर अपने मामला को रखें। इनसे मेरा झगड़ा है, ठीक है, समझ में? ये झगड़ा रखो, रख के सब मिलके नासिर को डाल दो, चलो हम सब डालेंगे। ये मिल्लत का मसला है, ये पूरी कौम का मसला है, ये फर्दे वाहिद का मसला नहीं है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. कि देखो अगर इनको वोट नहीं डाले सीट जाती है, बीजेपी आती है। अच्छा इनको डाले तो सीट बचती, नहीं तो बीजेपी आती। इसको डाले तो नहीं बचती है नहीं? अरे बेवकूफो, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है, समझो। मर्द की खयादत हो, बोलने वाले की खयादत हो, नासिर को सीट पे बिठा दो, न चंदू रहेगा न बंडू रहेगा। सीट जाएगी कैसा? हम सब मुत्तहिद होकर अपने मामला को रखें। इनसे मेरा झगड़ा है, इनको मैं सलाम नहीं करता, इनो मेरे को सलाम नहीं करते, मैं इनको हाथ नहीं मिलाता, इनो मेरे को नहीं मिलाते, ठीक है, समझ में? ये झगड़ा रखो, रख के सब मिलके नासिर को डाल दो, चलो हम सब डालेंगे, है बाद में देखेंगे। क्योंकि इनका मेरा झगड़ा आजू बाजू वाले भाई को क्या हुआ मौलाना, कहीं को लड़ रही? उन्होंने बोला ऐसा बोला मेरे को, देख को घूरिया कर मौलाना, नहीं घूरना अच्छी बात नहीं, जहाँ घूरने की जगह है वहां घूरो। तुम क्या करे जी खलास? नहीं सुना सब भाई, ये मिल्लत का मसला है, ये पूरी कौम का मसला है, ये फर्दे वाहिद का मसला नहीं है, फर्दे वाहिद का नहीं। तुम्हारे मसाजिद तक आ गए, तुम्हारे उलमा को मारा गया, अभी बताई ना है 5,000 से जायद वाइकल कोविड के मामले में पकड़े, यही रमजान था। नहीं इफ्तार कैसा करना? तो कुछ तो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हालत भी उस वक्त बहुत तेज थी, किसी की अता पे जी रहे थे ये रोज खाने वाले, रोज कमाने वाले, ये गरीब तबका है ना, किसी की देख रहा था कोई भेजता क्या किट वगैरह। अब कुछ 25-50 रुपए है तो खरीब इफ्तार जाके थोड़े भजे, थोड़ी पकौड़ी है, एक दो खजूर खरीदने के, पुलिस के डंडे, कौन बचाया? कोविड के मामले में रोड पे बैठकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नासिर हुसैन उस्ताद ने मुतालबा किया कि हमें इफ्तार के लिए 2 घंटे का वक्त दो, ताकि हम जरूरी अशिया खरीद कर रोजा इफ्तार करें बैठकर कोविड में। आप देखो वीडियोज हैं, ये अहम इशू है, ये जरूरी चीज है। जैसा परसों का मसला बताए, मैं था वहां, मैं आख्या से देखा, उठा लेके वो बेचारे जो है चिकन पिकन समोसे पकौड़ी वो क्या हरी वगैरह वो सफेद सफेद क्या कि बोलती ना उसे, वो सब उन्हें ट्रैली में डालने लगा हो गया बेचारे कर्जा लेको हैं, इधर से उधर से, कल को कुछ रमजान में करेंगे थोड़ा बचता भी कर्जा फिरता भी, एक इंसान की आस है, कर रहे उसको भी पत्थर। अब दूसरे त्यौहार देखो, दूसरे त्यौहारों में लोग रोड पे नहीं आते पूरा, अब मैं इशारे में बता रहा हूँ, आप बेहतरीन समझदार हैं। दूसरों के भी तो त्यौहार होते हैं, ये हमारा त्यौहार है तो दूसरों के तो पूरे रोडों जाम हो जाते हैं, तो नासिर हुसैन उस्ताद फिल बदी वहां पर हाजिर आए और उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कौन सा? अरे ऐसे मामले में सब मिलकर आना, कुछ यही तमाशाई बने खड़े के देख रहे थे ऐसा, ये जिसको कौम का दर्द है कौम की बातें करते हैं हम करे। अरे 5 साल पीरियड में
पांच साल पीरियड में मुंतखब नुमाइंदा एमएलए अगर कुछ करी है तो मैं नासिर हुसैन उस्ताद से कहता हूं, आप तमाम की जानिब से इस बार इलेक्शन मत लड़े, पाव पकड़ेंगे हम उनके, माफी जाएंगे नहीं, उन्होंने बहुत काम करी, पांच साल तक मेहनत कर रहे हैं, हर मसला उठाए हैं, है? ये तो भी बताना रोका जाएगा। हिजाब का मामला आया तो असेंबली में, क्योंकि असेंबली में जो मुंतखब है उन्हें जाता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत साथ रहे, अगर नासिर हुसैन उस्ताद 2023 में असेंबली कैंडिडेट बन सकते हैं तो मैं इतना करीब, मजहर एडुकेट तो रिश्तेदार उनके, नैयर खुर्शीद, ये लोग भी असेंबली में जाकर बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते, नहीं, जो जीते हुआ उन्हें बैठना, डिबेट में हिस्सा उन्हें लेना है, और जीते हुआ जाके खामोश बैठना, और इन्हों बाहर बोले बोले क्या बोले बे? नहीं, वो बोले मैं भी असेंबली में हिजाब पहन को जातू, देखेंगे कौन रोकता है। वो बेगम बोलती नहीं, बहुत हुआ तुम्हारा, अब मैं भी सीना दिखा तू, कौन क्या करती देखेंगे। अबे वैसा रहता ही है, तुम्हारे को असेंबली में रोक रहे थे कौन? रोक रहे थे वहां जो हमारी बच्चियां कॉलेजेस में हिजाब में गई तो वहां उतार रहे थे, वहां का मसला, यहाँ का ले जाको वहां लगा रही, वहां का ले जाको यहाँ लगा रही। पतंग को, पतंग को पत्थर बंधे तो पतंग उड़ती साहब, नहीं इन्हों क्या कर रही मालूम है, पतंग को पत्थर बंध कर डोरी खींची, उन्हें पाक बोल गिर रही है। ऐसा होगा असेंबली में आपको बोलना चाहिए कि हमारी मुस्लिम लड़कियां जो पीयूसी सेकंड ईयर में है, जो बीए पढ़ रही है, जो एमए पढ़ रही है, हमारा मजहब और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि मजहबी मामला को अदा किया जाए, तो स्पीकर साहिबा या स्पीकर साहब, हम गुलबर्ग का शुमाल की मैं कैंडिडेट हूँ, मैं मुतालबा करती हूँ कि कानून में अमेंडमेंट लाया जाए, हमारी लड़कियों को हिजाब के साथ कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दी जाए। ये सच बात थी, ऐसा तो हुआ नहीं। एक एक रोज का रोना हो, रोके सबर आए, हर रोज के रोने को कहाँ से जिगर आए, एक मसला हो तो बयान करेंगे।